पवन सिंह के राह पे चल पड़ी है अक्षरा। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए कुछ ऐसी रिपोर्ट लेकर आएंगे कि आप भी सुन के चौंक जाएंगे कि इतनी दुश्मनी होने के बाद भी क्यों कर रही है पवन सिंह जैसा काम। जाने क्या है पूरा मामला, जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखें और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाल कलर के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नमस्कार भोजपुरिया, जहां हम आपको बता रहे कि पवन सिंह के राह पे चल पड़ी है अक्षरा सिंह। जी हां दोस्तों, इस समय पवन सिंह के जो भी गाने आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे गाने हैं, जैसे कि हमरा वाला डांस हो गया और उसके बाद पवन सिंह का एक और गाना आने वाला है बदनाम कर दोगी, जिसका पोस्टर आया और पोस्टर आते ही यह पोस्टर देख के ही लगता है कि यह कितना बड़ा गाना होने वाला है। और उसी के राह पे अक्षरा सिंह का भी अभी तीन गाने आने वाले हैं और तीनों गाने काफ़ी बड़ी बजट के गाने हैं। इस बात को अक्षरा सिंह ने खुद कंफर्म किया है, उन्होंने यह लिखा है कि उन्होंने काफ़ी बड़ा रिस्क लिया है और वो चाहती है कि उनके फैंस उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दें। तो क्या पवन के इतने महंगे गाने आने के बाद ही अक्षरा सिंह को ऐसी बातें सूझी? हर बार ऐसा होता है कि जब भी पवन सिंह कुछ करते हैं तो अक्षरा सिंह उसी राह पे वही काम करती है और फिर कहती है कि हमने ऐसे ऐसे हम मेरे साथ ऐसा होता है वैसा होता है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है हम वही आपको बता रहे हैं कि अक्षरा सिंह यह बात तो कहती है कि वो किसी की कॉपी नहीं करती है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी पवन सिंह का गाना आता है उसके तुरंत बाद अक्षरा सिंह का गाना आता है, या अक्षरा सिंह का गाना आने के तुरंत बाद पवन सिंह का गाना आता है। भले ही ये लोग साथ में नहीं है, लेकिन आज भी इनके बीच में जो दुश्मनी चल रही है वह बरकरार ही है। भले ही वह मामला शांत हो गया है, दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे में ही इन दोनों की कंपटीशन है। अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि पवन और अक्षरा का जब भी गाना आता है तो लोग किसको कितना पसंद करते हैं, और तो गाना आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम आपके लिए ऐसी खबरें लेकर आते रहेंगे, तब तक आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें।